डॉक्टर श्रुति मलिक, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या सिचुएशन एक बार फिर से पुरानी वाली सिचुएशन होती जा रही है? क्योंकि अगर मैं मार्च महीने की रीडिंग्स की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा डराने वाली है, और पिछले 24 घंटे कहते हैं कि देश में 40,000 नए केस। देखिए, अगर हम देखें कि इस बार मार्च में जो है 26,000 केसेस हुए थे, जो कि पिछले साल जुलाई में भी 26,000 केसेस हुए थे 2020 में, तो ऑब्वियस ये बात है केस जो है वो बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, पैंडेमिक जब भी आता है वो कभी ऐसा नहीं होता कि एक बार आता है, वो हमेशा वेव्स में आता है। अगर हम यूके का भी देखें तो यूके में अगस्त और सितंबर में केसेस कम हो गए थे, फिर से केसेस बढ़ने लगे। तो हमें प्रिकॉशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे तीन विकेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और रेस्पिरेटरी हाइजीन। दूसरी चीज एक ये भी है कि वैक्सीन जब से आ गई है लोगों ने ना बहुत केयर फ्री हो गए, लोगों को ये लगता है कि अब हमें नहीं हो सकता, बट वैक्सीन लगाने के बाद भी आप सिर्फ 70% प्रोटेक्टेड है, 30% तो आपको अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये मेंटेन करके चलनी ही पड़ेगी। एक चीज और, अगर हम लोग देखें इस समय हम लोग ऐसे मोड़ पर है जहां पे एक रास्ता तो लॉकडाउन की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता जा रहा है कि हम हो सकता है लॉकडाउन ना करें। अगर हम प्रिकॉशन लेकर चले तो आज भी आप देखिए 20,00,000 वैक्सीन एक दिन में लग रही है, और ये सबसे बड़ा अभी तक का पब्लिक हेल्थ कैंपेन है। बहुत सारे लोग जो वैक्सीन लगवा सकते हैं वो लोग भी अभी डर से वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से अर्ज करना चाहूंगी कि आप जाइए, अभी भी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा हमारा इनिशिएटिव लिया है जो आयुष स्कीम के अंदर 10,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है उनमें लग रहे हैं, जो CGHS की है 687 क्लिनिक्स है वहां पे लग रहे हैं। आप जाके अपने आप को रजिस्टर कराइए और लगवाइए, और स्पेशली वो लोग जो कोमॉर्बिडिटी के साथ है। तो अगर हम ये प्रिकॉशन लेंगे, प्लस हमें ये भी देखना है कि ये ट्रांसमिशन साइकिल है, तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर हम चाहते हैं तो हम सबसे पहले अपने आप को मैक्सिमम टेस्टिंग कराएं। अभी भी लोगों के मन में ये आ रहा है कि हम टेस्टिंग की हमें जरूरत नहीं है, हम घर पर ही ठीक हो जाएंगे। ऑब्वियसली 96% का है रिकवरी रेट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो आगे वाले को नहीं फैला सकते। अगर ये चेन को हम ब्रेक कर देंगे तो बहुत हद तक जो है हम केसेस में डिक्रीज पा सकते हैं। बिल्कुल, ये चेन ब्रेक करना बहुत जरूरी। डॉक्टर श्रुति मलिक, क्या ये बहुत क्रूशियल फेज है ये जो वक्त है? क्योंकि और इसमें अगर संभल गए तो संभल गए, नहीं तो फिर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल क्या हो सकती है? क्या इस तरह की सिचुएशन आ सकती है? क्योंकि पिछले 7 दिनों की जो स्टडी है देश की, वो ये कहती है कि पिछले 7 दिनों में पर डे 29,355 केसेस एक एवरेज आ रहे हैं, तो ये एवरेज तो बड़ा खतरनाक है अगर 7 दिनों तक ये ट्रेंड बना हुआ है तो। बिल्कुल, ये बिल्कुल और केसेस बढ़ सकते हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी केसेस बढ़ जाए, इसलिए हम लोगों को हर तरीके का प्रिकॉशन लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम किसी से भी अगर मिले तो ये मान के मिले कि वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है कोरोना का, हम ये ना मान के मिले कि उसको कोरोना नहीं हो सकता या उसको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है तो वो नहीं हो सकता, एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। क्योंकि ऐसे ही लोग जब मिलते हैं तब दूसरे को आगे इन्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हमें अपने बच्चों के लिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो कोमॉर्बिडिटी के शिकार है, जिनको जुवेनाइल डायबिटीज हो जाती है, तो इसलिए ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम उनकी हेल्थ के साथ भी जो है वो कोई रिस्क नहीं ले सकते। तीसरी चीज, मास्क लोग लगा तो रहे हैं बट मास्क जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगा रहे। जब तक आपका पूरा माउथ और नोज दोनों नहीं कवर होता है, आपका उसका किसी और तरीके के लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब आप नहीं के बराबर लगा रहे हैं। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी ऐसा इंसान जो थोड़ी भी लापरवाही कर रहा है, अगर 80% लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं और 20% लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो केसेस बढ़ा सकते हैं। क्योंकि केसेस ये नहीं देखेगा कभी भी अगर कोई इंफेक्शन होगा कि ये कौन है पेशेंट, है ना। हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर वो करना है। प्लस हमें सारी, अब जैसे होली का फेस्टिवल आ रहा है, लोगों के मन में ये आ गया है कि चलो होली भी हम सेलिब्रेट करेंगे, जितनी मीटिंग्स हैं, जितनी हमारी फेस्टिविटीज हैं, इन सब पे हमें कंट्रोल करना है और ये ध्यान रखना है कि ट्रांसमिशन को रोके। बस अगर ये कर लिया तो हम काफी हद तक जो है वो इस बीमारी से आगे, और केसेस भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे। ठीक है।